हेलो दोस्तों, आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो फिर से नए ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, सुबह हो गया है, अभी हम अपने छत पे धूप देख सकते हैं। अभी हम धूप लेने के लिए आए हुए हैं, इसलिए कि सुबह का टाइम है, ठंड लग रहा है। दोस्तों देख सकते हैं मेरे यहाँ धूप बहुत ही अच्छा आज निकला हुआ है, बहुत ही ज़्यादा ठंड था सुबह में, तो आप देख सकते हैं दोस्तों। तो छत पर आए हुए थे दोस्तों धूप खाने के लिए, अब हम जा रहे हैं नीचे अपने। देख सकते हैं दोस्तों, ये रहा गाड़ी और गाड़ी के ऑनर साहब देखिए वहाँ खड़े हैं। तो अभी को गाड़ी हम लोग ले करके जा रहे हैं उसको सर्विसिंग करवाने। तो गाड़ी तो उनका है मगर चलाते हम हैं, मगर आज आए हुए हैं कि गाड़ी में सब काम ढेर सारा है। तो चलिए आज हम गाड़ी में मोबिल पल्टी वगैरह करवाएंगे और आप लोग को वहाँ जहाँ जाना है, जहाँ सर्विसिंग वगैरह करवाते हैं वहाँ आप लोग को हम दिखलाएंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, आज हम बैठ करके जा रहे हैं और ऑनर साहब जो है गाड़ी चला रहे हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग गाड़ी को लेकर के निकल चुके हैं, गाड़ी जा रहे हैं सर्विसिंग करवाने। तो अभी 9:10 हो रहा है सुबह का, तो इसलिए निकले हैं कि आज थोड़ा सा निकले हैं जल्दी, वहाँ बहुत भीड़ रहता है। ऐसे तो जहाँ काम करवाते हैं गाड़ी का, वहाँ मेरे ऑनर साहब जो हैं फ़ोन कर दिए हैं। सब दिन तो गाड़ी चलाते ही हैं, आज हम गाड़ी पे बैठ करके जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है चलाने में, तो भाई नज़र इधर उधर रखने पड़ता है, और आज जो है कि बैठ करके जा रहे हैं। देख सकते हैं मेरे ऑनर साहब जो हैं आज गाड़ी चला रहे हैं। तो आज चलिए ऑनर साहब क्या क्या काम करवाने वाले हैं गाड़ी में देखते हैं। तो देख सकते हैं एक साहब अभी पीछे बैठे हुए हैं और एक ऑनर साहब तो गाड़ी चला ही रहे हैं। तो आज हम लोग तीन तीन लोग गाड़ी में, एक गाड़ी में तीन लोग काम करवाने जा रहे हैं। तो देखते हैं आज का गाड़ी का काम का कैसा लुक रहता है, क्या क्या करवाने वाले हैं गाड़ी में। तो दोस्तों हम सब कुछ दिखाएंगे, गाड़ी में क्या क्या लगने वाला है और कैसा कैसा काम होने वाला है। तो देख सकते हैं दोस्तों, अभी हम लोग गांव का रास्ता होते हुए जा रहे हैं, गांव का रास्ता, और ये गांव का रास्ता होते हुए अभी हम लोग हाईवे रोड पर निकलेंगे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में पूरा बने रहेंगे, हम आप लोग को हाईवे भी, जहां से हाईवे पर चढ़ेंगे वहां भी हम आप लोग को दिखाएंगे। ये गाँव का रास्ता है, देख सकते हैं। तो दोस्तों गांव का रास्ता देख सकते हैं कितना पतला होता है, बस एक ही गाड़ी जाने का, एक ही गाड़ी आने का होता है। अगर डबल गाड़ी आ जाएगा तो गाड़ी बहुत मुश्किल से पार होता है। अब देख सकते हैं गांव का रोड हम दिखला रहे हैं, जिस रोड से हम लोग अभी गाड़ी को काम करवाने के लिए लेकर के जा रहे हैं। इस वजह से हम लोग हाईवे से नहीं जा रहे हैं, हम लोग रोड सिंगल रास्ता से जा रहे हैं, गाँव होते हुए जा रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी हम लोग बारून पहुंचने वाले हैं, तो 4-5 मिनट में हम लोग बारून पहुंच जाएंगे, काफ़ी रास्ता ख़राब था। तो देख सकते हैं दोस्तों हम डिहरी पहुंच चुके हैं, अभी जहां से गाड़ी का सामान लेते हैं वहां से गाड़ी का सामान ले रहे हैं, निकलवा रहे हैं गाड़ी का सामान, क्या क्या अभी निकालने के लिए बोले हैं सब निकाल रहे हैं, जो जो सामान हम बोले हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों टोटल सामान ले लिए हैं, और जो है, मोबिल फिल्टर है, मोबिल गेज है, देख सकते हैं आप गाड़ी का जो है, और दुकान के मालिक भी बैठे हुए हैं, जो ऑनर साहब भी हैं यहाँ पे, देख सकते हैं। कुछ भी सामान गाड़ी का अगर लेना हो तो MS दुकान का नाम है डिहरी पाली पुल के नीचे, आप लोग आ करके यहाँ से लेके जा सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों हम डिहरी मिस्त्री के पास पहुंच चुके हैं, गाड़ी वहां लग गया है। अभी हम डॉक्टर के यहाँ, मैंने कि गाड़ी के डॉक्टर के यहाँ आए हुए हैं, और डॉक्टर साहब जो है उधर अभी बैठे हुए हैं। अभी डॉक्टर साहब को हम अभी दिखलाएंगे आप लोग को, गाड़ी लगा दिए हैं, यानी गाड़ी गैरेज में लगा दिए हैं, मेरा कहने का मतलब ये है, आप लोग गलत मत समझिएगा। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे गाड़ी के ऑनर साहब भी खड़े हैं, और ये हमारे मिस्त्री जी हैं, देवानंद जी हैं, जो कि बहुत ही अच्छा मिस्त्री हैं डिहरी में। हम लोग यहीं पे गाड़ी का काम करवाने आते हैं, जो भी गाड़ी की है दिक्कत है परेशानी है ठीक कर देते हैं, बहुत ही गुड मिस्त्री हैं। तो अभी गाड़ी में क्या क्या करवाने वाले हैं हम आप लोग को पूरा दिखाएंगे दोस्तों।
और ये हमारे ऑनर साहब हैं, खड़े हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, पता नहीं कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, मोबाइल मिस्त्री साहब खोल रहे हैं और गाड़ी में अभी मोबाइल डलाएगा। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को हम दिखा रहे हैं दोस्तों, देख सकते हैं, देखिए ये मोबाइल गाड़ी में मोबाइल पलटी हो रहा है। पुराना मोबाइल को निकाल दिया गया, नया मोबाइल इसमें डला रहा है, आप लोग देख सकते हैं। जैसे आदमी को खून का दरकार रहता है दोस्तों, ऐसे ही गाड़ी को मोबाइल का दरकार रहता है। देखिए मोबाइल लगभग पूरा डला चुका है, 3 लीटर इसमें मोबाइल लगता है। तो देखिए मिस्त्री साहब जो है अभी अपने काम में लगे हुए हैं बिल्कुल, और मिस्त्री साहब को सिर्फ गुटखा चाहिए होता है, कुछ नहीं। आप लोग मिस्त्री साहब को पैसा का दरकार नहीं है, आप लोग खाली मिस्त्री साहब को गुटखा दिया कीजिए और गुटखा ही से काम पूरा हो जाएगा। देखिए लगे भिड़े हुए हैं गाड़ी में एकदम, देख सकते हैं गाड़ी का पूरा हम आपको दिखला रहे हैं, इसका सब कुछ नज़र आ रहा है। देख सकते हैं दोस्तों, गाड़ी में से मोबाइल फिल्टर निकल चुका है और मोबाइल भी निकल गया है। आप देख सकते हैं एकदम मोबाइल कैसा है, देख सकते हैं एकदम प्योर, एकदम काला हो रहा है। इसीलिए गाड़ी में मोबाइल पलटी करवाने के लिए आए थे, नया मोबाइल डला गया। आप लोग को दिखला है कि नया मोबाइल उसमें डलाया, ये एकदम बिल्कुल काला हो गया था। तो देख सकते हैं दोस्तों, एक गाड़ी यहाँ पर काम करवाने के लिए और आए हुए हैं, जिनका ऑनर का नाम है रवि जी। देख सकते हैं वो मेरे पीछे खड़े हैं, ये भी गाड़ी का काम करवाने के लिए आए हुए हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, गाड़ी में काम हो गया है, अब यहाँ बिल पे करेंगे। बिल पे करने के बाद घर जाएंगे काम कराने में। शक्ल वगैरह भी देख सकते हैं, लग रहा है एकदम कैसा, एकदम शक्ल सूख गया है, काम वगैरह हो गया है, यहाँ बिल देंगे। देख सकते हैं बिल बहुत ज़्यादा बन गया है सामान का, आप लोग देख सकते हैं। तो बिल हम लोग पे कर चुके हैं, अब यहाँ से देखिए कहाँ निकलते हैं, जहाँ भी जाएंगे दोस्तों। टाइम नहीं मिल पाता है कि हम ब्लॉग बनाएं, काम से बहुत ज़्यादा ही उलझे हुए रहते हैं, इसके वजह से जो है ब्लॉग पूरा नहीं बना पाते हैं दोस्तों। मगर जितना टाइम मिलता है आप लोग के लिए हम टाइम देते हैं, और आप लोग भी टाइम निकाला कीजिए। तो दोस्तों दुकान से निकल चुके हैं और अभी घर के लिए निकल रहे हैं, और भूख बहुत तेज लगा हुआ है, तो चलिए खाना खाते हैं। दोपहर का टाइम हो गया, करीबन लगता है कि 1:30 या 2 बज रहा है। तो गाड़ी में काम हो गया है और हम लोग जा रहे हैं घर के लिए। तो अब खाना वाना खाएंगे, पेट में बहुत चूहा सा दुख रहा है, चलिए देखते हैं क्या खाएंगे। जो भी खाएंगे आप लोग को भी खिलाएंगे। देख सकते हैं दोस्तों, ये ओम सुन डिहरी का पुल है, जिसको सब 99 पाया के नाम से जानते हैं। और अभी हम जा रहे थे घर, तो सोचे कि आप लोग को दिखाते हुए चले। देख सकते हैं, और पूरा 99 पाया के नाम से ये ब्रिज जाना जाता है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे पानी भी है। तो चलिए दोस्तों फिर आगे चलते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, हम आ गए हैं मुरादाबादी बिरयानी खाने के लिए, और ये बारून में पड़ता है हाईवे के पास, रोड किनारे। तो चलिए चलते हैं होटल के अंदर। देख सकते हैं दोस्तों, बिरयानी जो है कि यहाँ पे केजी के हिसाब से मिलता है, और बिरयानी यहाँ पे तौला रहा है। देख सकते हैं दोस्तों, ये दानिश भाई देख सकते हैं, यहाँ पे बिरयानी दानिश भाई का लग चुका है, और यहाँ पे मेरा भी बिरयानी लग चुका है, मुरादाबादी बिरयानी, आप लोग देख सकते हैं। और बस थोड़ी ही देर में इसको हम लोग खाने वाले हैं। तो दोस्तों हम लोग मुरादाबादी खाना खा करके बिरयानी निकल गए हैं, और उसके बाद लिए हैं ये देखिए संतरा, संतरा खाने वाले हैं हम लोग, देख सकते हैं। और दम बिल्कुल इसका रंग भी आप लोग देख सकते हैं, कितना प्यारा रंग है इसका, और बहुत तेज भूख लगा हुआ था। दानिश भाई को भी बहुत तेज भूख लगा हुआ था, तो हम लोग खाना वाना खा चुके हैं। खाना वाना खाने के बाद अब हम लोग संतरा खाएंगे। संतरों को छील लिए हैं, अब ये जाने वाला है मेरा मुंह में।
वाह वाह क्या स्वादिष्ट है, बहुत मजा आ रहा है। गाड़ी चल रहा है इसलिए हाथ इधर उधर हो रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मजा आ रहा है। सुबह से घर से निकले हुए थे, गाड़ी में काम हो गया दोस्तों, चलिए चलते हैं घर की तरफ। तो देख सकते हैं दोस्तों, गाड़ी में काम करवा करके आ गए हैं, मोबिल वगैरह पलटी करवा करके आ गए हैं। तो दोस्तों गाड़ी लगा दिए हैं और गाड़ी में जितना भी था सब काम करवा दिए हैं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं तक, मेरा वीडियो को आप लोग पूरा देखा कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, बेल आइकन वाला बटन को दबाया कीजिए दोस्तों।